अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम लोग जाने वाले हैं खैरपुर खजूर मंडी की तरफ। तो पहले हम लोग यहाँ से जाएंगे अपने कज़न असनैन की तरफ, वहाँ से खैरपुर खजूर मंडी की तरफ जाएंगे। तो टाइम ज़्यादा के बगैर चलते हैं यहाँ से। असनैन को मैंने अपने घर से बुलाया और वो आ ही रहा है, और ये पे यहीं पे उसकी गाड़ी खड़ी है। फाइनली ये असनैन भाई यहाँ पे आ गए और अपनी जो है बाइक पे बैठ गए हैं। कह रहा है कि पेट्रोल भरवाना पड़ेगा और वो पैसे मैं दूंगा। अरे चलो ठीक है ठीक है। पहले हमारे लिए मसला है नाश्ते का, नाश्ता करेंगे वहाँ से। रोड पे ही जो है बिरयानी मिलती है लेवल वाली, चलो चलते हैं। तो ठीक है, अभी रोड पे चलते हैं, बिरयानी खाते हैं। चलो यहाँ से चन्ना पुलाव बहुत अच्छा मिलता है सामने से, वहीं पर हम लोग रुकेंगे और वहाँ से खाएँगे। तो सामने मेरे पीछे चन्ना पुलाव, जो कि हम लोग यहीं पर रुके हैं और वहीं चन्ना पुलाव खा के अपना आगे चलेंगे अपनी मंजिल की तरफ। अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के थोड़ा पुलाव खाएंगे और उसके बाद जो है हम लोग आगे जाएंगे मंडी। शाबाश बेटा। नाश्ता करने के बाद हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। सामने केला मंडी है और इसके बिल्कुल उल्टी तरफ, यानी यहाँ इस साइड है, साइड पे जो है खजूर मंडी है। ये खजूर मंडी नहीं है, जो पहले खजूर मंडी होती थी वो खैरपुर अंदर शहर की तरफ होती थी, खैरपुर फाटक के तरफ होती थी। अब ये नई खजूर मंडी यहाँ पे है। ये जो टर्न है ना, ये मोड़ और सामने ये है नई खजूर मंडी। ये बाहर से आपको मैं भी छोटी लग रही हो, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा मार्केट है, आपको दिखाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से काफ़ी सारी बदबू होती है जो कि आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। आपको ये देखिए बोरियाँ पड़ी हुई हैं, ये खजूरों की, और ये खजूरों से भरी हुई हैं। ये खजूर मंडी है और आप दुकान भी देख सकते हो, हर एक दुकान माशाल्लाह, हर एक दुकान के पास इतना सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, बोरियाँ ही बोरियाँ हैं। और यहाँ से तो अभी ये बोरियाँ बंद हैं, दुकानों की तरफ जाएंगे चढ़ेंगे तो ये लोटे लगेंगे। यहाँ से तो बंद हैं बोरियाँ, दुकानों की तरफ जाएंगे तो बोरियाँ खुलेंगी, वो भी दिखाएंगे आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी जो है बोरियाँ। तो ये है मंडी, खजूरों की बोरियाँ, और लोडर्स देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितनी खजूरों की कितनी ट्रेडिंग और बिजनेस होता होगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो बेखर होता है, जो खजूरों का मालिक होता है, वो यहाँ पे इन दुकानदारों को अपना माल बेचने आता है और कुछ प्रॉफिट कमाता है। फिर ये दुकानदार जो होते हैं अपना माल किसी बड़े दुकानदार को बेचते हैं, ये भी कुछ प्रॉफिट कमाते हैं। और जो बड़े दुकानदार होते हैं वो इन खजूरों के माल को बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करते हैं। उनमें से 80% माल जो है खजूरों का इंडिया को ही जाता है। तो ये सीन होता है कुछ यहाँ का। कहने को तो इस मंडी में 300 प्लस दुकान है, बट जो यहाँ पे अच्छे खासे दुकान चलते हैं वो 100 से 150 हैं। और यहाँ पे जो बोली लगाई जाती है वो रेट के मन के हिसाब से लगाई जाती है। और ये खजूर की बोली जो होती है वो एक बोरी की होती है, और ये बोरी 80 से 100 किलो की होती है। तो मैं अभी यहाँ पे इंटर हो रहा हूँ, और ये मज़दूर लोग आप देख सकते हो यहाँ पे, अभी जो है इनके रिफ्रेशमेंट का टाइम है। तो पहले ये लोग चाय पिए, पहले इन्होंने काम भी किया हुआ है तो पहले चाय पियेंगे ये लोग, और फिर बाद में जो है ये अपने काम में लगे रहेंगे। ये सामने आप देख सकते हो खजूर ही खजूर हैं, हर क्वालिटी में खजूर पड़े हुए हैं, और इनकी बहुत सारी क्वांटिटी भी होती है, कोई कमी नहीं होती। देख सकते हो आप ये लो खजूर हैं, ये लो शुहारे, ठीक है। तो ये ब्राउन शुहारे हैं, थोड़े ब्राउन शुहारे, मतलब ये हर क्वालिटी में पड़े हुए होते हैं, तो इनकी कोई जो है कमी नहीं होती। हर क्वालिटी के सैंपल्स पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। तो ठीक है, तो ये सीन होता है यहाँ का। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे बोली भी लगेगी और हम लोग वो बोली भी देखेंगे। तो इनमें से मेरे मामा के खजूर ये हैं, आप देख सकते हो, ये
ये लो शुआरे हैं, तो ये देख सकते हो ये मेरे मामा के शुआरे हैं। और जो है हर किस्म हर क्वालिटी के सैंपल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो बहुत सारा माल पड़ा होता है यहाँ पे। पहले जो है ये खजूरों की मंडी खैरपुर फाटक की तरफ थी, बट अब जो है ये करीब आ चुकी है, कौसर हॉस्पिटल के सामने ही आ चुकी है। तो अभी ये मंडी को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। और ये यहाँ का काउंटर है, इस दुकान का काउंटर है। ये हसनैन भाई बैठे हुए हैं और ये नियाज भाई बैठे हुए हैं। ये जो है आई थिंक मज़दूर हैं, मज़दूर हो आप? अच्छा, ये जो है सेठ लोग हैं, माल बेचने आए हैं अपने। ठीक है, ये भी ऐसे ही कस्टमर्स बैठे हुए हैं। तो ये तो था माल का सीन, अभी जो है अंदर का सीन देखते हैं। ये आप यहाँ पे भी माल देख सकते हो, खजूरों की बोरियाँ देख सकते हो यहाँ पे। ये जो है सारा बेखरों का माल है, यानी जो लोग खजूर बेचने आते हैं यहाँ पे, ये सारा उनका माल है। तो ये इन्होंने स्टॉक अंदर पे जमा किया हुआ है। और जो है ऊपर ये छत आप देख सकते हो, ये छत कुछ बेखर होते हैं जो अपना माल सुखाना भी चाहते हैं, ये छत उनके लिए होती है ताकि धूप पे वो लोग अपना माल सुखाएं। ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन होता है यहाँ पर। ये पानी वानी रखा हुआ है पीने के लिए। और जो है यहाँ पर ये काउंटर है और अंदर जो है इनकी ऑफिस है। यहाँ पर जो है इस दुकानदार के ओनर बैठते हैं। लैपटॉप भी रखा हुआ है अकाउंटिंग वगैरह के लिए। इस हर माल के सैंपल में जो है एक ये पर्ची पड़ी हुई है। तो ये जो पर्ची होती है ये उनकी थोड़ी डिटेल्स होती है, या इसमें उनका नाम और बोरियां लिखी हुई होती है। तो पहले हम लोग वहाँ पे नीचे वाली बोरियों पे बैठे हुए थे और अब हम लोग यहाँ पे इस ऊंचाई वाली बोरियों पे बैठ गए। यहाँ पर बहुत मजा है भाई। कुछ पूछा मैंने? ऊपर हम लोग बोली के इंतज़ार में बैठे हुए थे और नीचे यहाँ पे जो है हमारे मामा जान आ गए हैं, जो कि इन लोगों से मिल रहे हैं। तो ये हैं मेरे मामा जान। लव यू। टे करंदे थे मैं मणि नारे ओ जाई रे सटे ओ सटे। तो सेठ तो चला गया, मेरा मामा जान अभी चले गए, तो हम भी बोली के इंतजार में बैठे हुए हैं। A few moments later. तो ढाई घंटे इंतजार करने के बाद अभी जो है बोली सामने हो रही है, सामने वाले दुकान पे। इस दुकान पे होगी पहले और उसके बाद जो है इस दुकान पे आएंगी। तो भाई यहाँ पे बोली स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें यहाँ पे जो है सेठों का माल पड़ा हुआ है। यहाँ से सैंपल उठाएंगे और सैंपल को देख के उस हिसाब से बोली लगाएंगे। यहाँ से सैंपल को उठाया, सैंपल को चेक करके मुनासिब रखा, बोली लगाएंगे। 3800 में माल डन हो गया। और जो है जो डन हो गया वो इस बुक पे लिखेंगे, बुक पे डिटेल लिखेंगे। ठीक है, 28 ये पर्ची निकाली और इसमें से मालिक की डिटेल होती है। चावन में डन हो गया, चावन या फिर 5.5 में डन हो गया, 5500 पर मन डन हो गया। ठीक है जी, जा रहा है देखो अंदर से किसे। 12000 से स्टार्ट हुआ है। 15 ये मेरे मामा का माल था जो कि 15500 में डन हो गया। तो ये क्वालिटी थी इसकी।
ये क्वालिटी इसकी जो है जितना अच्छा माल होता है उतना अच्छा रेट भी लगता है यहाँ पे। तो ये होता है यहाँ पे बोली का सीन, और फिर बोली के बाद इस माल को इस इन बोरियों में पैक किया जाएगा। बोरियों में पैक करने के बाद जैसा मैंने बताया कि ये बड़े दुकानदारों को बेची जाएंगी और फिर बाहर एक्सपोर्ट की जाएंगी। ये होता है यहाँ का प्रोसेस। तो उम्मीद है आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।